तो भैंस खड़ी हुई है वो है सोने भाई की माशाल्लाह। तो इस दफ़ा सोने भाई ने भी इंशाल्लाह कुर्बानी का जानवर लेकर आए। ठीक है जी, पार्क की गायें दिखाएंगे। और एक यहाँ पे चांद बैल भी आया, छोटा सिंग वाला चांद बैल है ये। हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई मुझे याद नहीं था कि मैंने भी एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। अच्छा। तो उस पर भी वीडियोस डालनी होती हैं। मैं तो भूल ही गया था, 15-16 दिन गुजार दिए। मैं खास 16वां दिन है आज जो वीडियो नहीं डाली है। तो मैंने कहा आज छोटा मोटा व्लॉग बनाते हैं। और आपको मेरी शक्ल से लग रहा होगा कि मैंने बाल कटवा लिए हैं, बिल्कुल बेबी कटिंग देखो चाहो तो बिल्कुल छोटे लग रहे हैं। लग रहे हैं तुझे छोटे? तो फ्लैश लाइट खोली हुई और चारों तरफ अंधेरा। तुम लोगों को लग रहा हूँ कि अभी टाइम हो रहा है, देखो 6:20, तो 6:20 का टाइम हो गया। 3 बजे से 3:45 ही पहले इन लोगों ने, कुत्तों ने लाइट बंद करी हुई है, लेकिन अभी तक लाइट खोली नहीं। तो आपके भाई ने जो है वो चाय वाय बना ली है। ठीक है जी, ये रखी हुई चाय और ये रखी हुई अपनी डबल रोटी। तो अभी चलते हैं छत पर, चारपाई वरपाई बिछा ली थी मैंने। थोड़ा सा छत का मौसम दिखा दूँगा। तो ये व्लॉग बनाने का दरअसल सीन ये है कि इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा कि हमारे इलाके में कितनी गायें आ चुकी हैं अब तक। आज जो है 30 दिलहज है, 30 दिलकद है, और चांद जो है नज़र, कल तो चांद नज़र नहीं आया था, आज नज़र आने वाला। आज तो 30 तारीख के बाद तो बस वो फिर पहली तारीख हो जाती है ना, तो इस वजह से तो 6:20 हो गए हैं। अभी तक इन लोगों ने लाइट नहीं खोली। मैंने कहा लाइट आ जाती तो मैं अपना पीसी जला के यहीं बैठ के व्लॉग हम शुरू कर दें। अभी ये के ऊपर जाते हैं। ठीक है, छत पे आ चुका हूँ मैं। छत का मौसम देखो कुछ ऐसा है। कल रात में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई थी, रात के 1 बजे से जो शुरू हुई थी, नहीं 11 बजे जब मैं बाहर गया था, तो जब से जो शुरू हुई थी तो वो हल्की हल्की होती गई। लेकिन फिर हमने क्या वो दरी वरी बिछाई थी, पापा लोग लेटे हुए थे, 11 बजे जब बारिश हो रही थी तो जब दरी वरी बिछाई 5 मिनट के लिए, थोड़ी सी हल्की सी तो फुहार तेज़ हुई थी कि बस सारे ना कपड़े वपड़े गीले हो गए थे, दरी वरी गीली हो गई। तो हमने जैसे उठा के पीछे यहाँ पे रखी, बंद हो गए, फिर दोबारा बिछा दी। फिर जब रात को मैं 1 बजे आया, दोबारा ये सीन हुआ, दोबारा उठा के रखी, फिर बस 5 मिनट के लिए फुहार तेज़ हुई, फिर बंद हो गए। बस वो चलता फिरता बादल था ना, जैसे अभी ये काले बादल कुछ यहाँ पे हैं कुछ वहाँ पे, तो बस ऐसी बारिश हो रही थी। तो फिर क्या आवाज़, फिर जब 1 बजे मैं आया दैन भाई के पास से, फिर दोबारा ऐसी बारिश हुई, फिर हमने उठा के यहाँ पर रख दिया। फिर ये कि लाइट आ गई थी जब मैं घर पर आया ना, तो फिर दोबारा 1:10 लाइट आ गई थी, पता नहीं 1:15 तक लाइट आ गई थी। उसके बाद मैंने ना अपना पीसी ऑन करा, पीसी से जाया, हमने ड्रामा देखा कैसी तेरी खुदगर्दी। ड्रामा देखने के बाद फिर हमने ना अपनी वीडियोस के व्यूज़ बढ़ाना शुरू करे। तो मैं इस व्लॉग के अंदर नहीं डाला है, पता नहीं व्लॉग कब आएगा। तुम जो गेमिंग वीडियो एडिट करा था वो डाला था, तो उसके व्यूज़ बढ़ा रहा था। ठीक है जी, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। चलो जी, माशाल्लाह जानवर उड़ गया है। तो भाई द फर्स्ट काउ इन आवर एरिया 2.0 जो मैंने आपने आपको इससे पिछले वाले व्लॉग में दिखाई थी, जब ये गली में वहाँ पे खड़ा हुआ था, तो जब ये नाई नहीं कर रहा था जब मैंने आपको दिखाई थी, तो मैंने कहा आज गायों का व्लॉग बनाना है तो आज आपको सबसे पहले ये वाली गाय दिखाते हैं, क्योंकि अभी रात का मौसम हो रहा है तो यहाँ पर लाइट वाइटें भी है। तो मैंने कहा पहले आपको ये वाली गाय दिखाते हैं। ठीक है जी, तो देखो अभी मोरा वोरा कुछ नहीं बना हुआ, उसकी नकेल वकील कुछ भी नहीं है, इतना शरीर जानवर है, बस वो बैठा हुआ ही है। वो देखो कहीं जाएगा नहीं, खुला हुआ है, अभी बैठा हुआ था वो अभी खड़ा हो गया। तो भाई देखो बच्चे कैसे प्यार कर रहे हैं इसको। बिल्कुल शरीर जानवर है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई लाइट चली गई है, तो मैं फ्लैश लाइट खोल के बना रहा हूँ वीडियो। ठीक है जी, ये देखो एक जानवर ड्रोन वाला जो है वो ये है। तो अब देखो पूरा जानवर ये है माशाल्लाह, इसको इन्होंने बांधा हुआ है। हम सोचा ये देखो ये मांचू खड़ा हुआ है, आगे कुप के पास आओ, कुप के पास नहीं मारेगा, कुप के पास आओ। तो देखो भाई हमारी जगह कुप जो है वो उससे ऊपर जा रहा है। ठीक है जी, माशाल्लाह यही बहुत अच्छे जानवर है। और एक जानवर ये बना हुआ, ये भी दिखाते हैं आपको, क्योंकि व्लॉग हम गायों का बना रहे हैं कि सारी गायें हम आपको दिखाएं कि हमारे इलाके में आसपास के इलाके में कितनी गायें आई हैं। तो 15-20 मिनट का हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 15-20 मिनट का मैं सोच रहा हूँ कि लंबा व्लॉग रखूँ थोड़ा सा। अभी चांद आज दिख गया है, तो आज पहली तारीख हो गई है माशाल्लाह। यहाँ पे हमारी मेमे भी खड़ी हुई है, मेमे
छोटी सी एक गाय है छोटी सी। ठीक है जी, तो आप कहाँ चले भाई बताओ, कहाँ बोल रहे थे जाने को? वहाँ कल चलेंगे, रेंट कार वाले की गाय देख लिए, अब हम जा रहे हैं हसनैन के जानवर देखने। हमारे को और दिख गई, देखो आवाज़ आई इसकी, हमने कहा यहाँ पे गाय खड़ी हुई है, देखा तो भाई गाय खड़ी हुई। चलो जी, खुर्राट है क्या? अबे जो भी खुर्राट हो, लेकिन जानवर को जब आप प्यार करोगे तो वो खुद ही प्यार करवाएगा। पकड़ी हो भाई, सीढ़ी फेंक देगा ये। अच्छा भाई, नहीं करवाई नहीं करवाई, वो प्यार नहीं करवा रहा भाई। और क्या, फोकस को नहीं कर रहा, अब करा टच करो स्क्रीन पे, फिर फोकस करेगा। हो गया तो भाई उदाय प्यार नहीं करवा रही है, डर रही है वो। चलो जी, हसनैन के जानवर फाइनली हमारे को मिल चुके हैं। ये देखिए, ये रहे हसनैन के जानवर, और उनके लिए बकायदा उन्होंने पंखा लगाया हुआ है। देखो गर्मी हो रही है तो उन्होंने पंखा लगाया हुआ है, माशाल्लाह। चलो जी, माशाल्लाह, ये एक वाइट जानवर है, बिल्कुल वाइट सफ़ेद। ठीक है जी, और एक ये बछड़ा है, यानी कि बैल, और एक ये ब्राउन एंड वाइट जो है ये बछिया है, माशाल्लाह। तो माशाल्लाह दोनों जानवर जो, और ये इन लोगों ने ज़रार कटर फार्म से पलवाए हैं। अच्छा भाई, अच्छा। प्यार नहीं करने दे रही भाई, वो प्यार नहीं करने दे रही। तो आज की वीडियो में मैंने आपको दो जानवर, तीन जानवर उनके दिखा दिए, और दो जानवर आपको ये दिखा दिए। ठीक है जी, बॉयज ये वाली जो गाय हैं, ये अली की गाय हैं, माशाल्लाह। ये खालिद भाई दूध वाले हैं ना, तो ये इनकी गाय हैं। ठीक है जी, और वो जो खड़ी हुई ऊपर, वो भैंस खड़ी हुई है, वो है सोने भाई की, माशाल्लाह। तो इस दफ़ा सोने भाई ने भी इंशाल्लाह कुर्बानी का जानवर लेकर आए। ठीक है जी, और ये गाय हैं काली वाली अली की, है ना, किसी गाय हैं। चलो भाई, अब हम अपने पार्क में जा रहे हैं, अपने पार्क की गायें देखेंगे। ठीक है, ओके ओके, अपने पार्क की गायें देखेंगे। ओके, ऐसे क्यों डाल लो, वो पूरी बाल्टी रख दो ना। मैंने बोला आधा आधा करके ला। अच्छा, ये भाई चाचू कहाँ हैं, तू खाना खिला रहे हैं? हाँ देखो, वो ऐसे खाना खाती है, वो कुर्सी पे रख के, देखा आपने, ऐसे खाना खा रही है वो। आगे चले, कनी पार करनी, पार कर लो, पार कर लो जल्दी से जल्दी से, शाबाश। कर ली चाहिए, काव को पार कर लिया आपने। ये रही ये रही ये रही ये रही, देखना बोरी कैसे खाना खा लिया वो। ये वाली भी खाना खा रही होती है, वाह 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 भैया, तो इतनी सारी काव होती हैं। ये छोटी वाली काव भी होती है, यहाँ पे ये वाली काव भी होती है, ओ ये वाली बड़ी वाली काव भी होती है, माशाल्लाह। तो भाई आप लोग कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, आज आपको पूरे पार्क की गायें दिखाएंगे हम लोग, आज आपको पूरे पार्क की गायें दिखाएंगे। और एक यहाँ पे चांद बैल भी आया, छोटा सिंगो वाला चांद बैल है ये, जो हमने मंडी में देखा था वो बड़ी बड़ी सिंगो वाले चांद बैल थे, ये छोटे सिंगो वाला चांद बैल है। हाँ, कहाँ चलें? चलो भाई, ये मदर चाचू की गाय आती होती है, ये गाय को नहला रहे होते हैं, सही है, ये गाय को नहला रहे होते हैं। ये देखो माशाल्लाह, इतनी बड़ी बड़ी काव है, इतनी बड़ी काव होती है ये देखो माशाल्लाह। कमेंट में कहिएगा, ठीक है भाई। चलो जी, वो तो गाय को नहला रहे हैं, अब हम इस वाली गाय को दिखाते हैं आपको। ये पूरी पार्क में जितनी भी गायें बनी हुई आपको वहाँ दरवाजे से लेके मैंने वहाँ तक दिखा दी आपको, अब वापस हम यहाँ पे आ गए। ठीक है भाई, ये वाली काव भी खाना खा रही होती है। ठीक है जी, तो बताइएगा कैसी कैसी हैं काव हमारे इलाके में, जितनी भी काव आई हैं तो कैसी हैं सारी गायें। ठीक है, ठीक है भाई, अब हम आ गए हैं आगे थोड़ा सा। ये थोड़ी सी स्मार्ट स्मार्ट गायें आई हैं यहाँ पे हमारे पार्क में, देखो। ठीक है जी, एक गाय ये है भाई, एक गायें हैं, और ये रही ये वाली गायें, हाँ ये वाली है ना, ये वाली किसकी है? अच्छा बिलाल भाई, नहीं बिलाल भाई की तो वहाँ बनी हुई थी। ये देखो भाई, ये हुसामा भाई की गायें हैं, ठीक है, और ये बिलाल भाई की गायें हैं। ठीक है, ओके, वहाँ पे कौन सी गायें? अच्छा वो बैठी हुई है वहाँ पे, वो वाली चाचू की है, अरबाज चाचू की है वो, फिर किसकी? अच्छा चलो भाई, एक गाय ये है, ठीक है, एक गाय ये है। ठीक है भाई,
ये मेरे ख्याल से नज़ीर भाई की गायें हैं, नज़ीर भाई जो हैं जिनसे हम सब्ज़ी लेते हैं ये उनकी गायें हैं। और ये वाली किसकी है? ये मेरे ख्याल से उनकी किसी रिश्तेदार की है शायद ये वाली गाय। ठीक है भाई, एक ये वाली गायें होती है, ठीक है भाई, ये वाली गायें भी होती है एक, और एक सफ़ेद वाली सामने बनी हुई है, एक वो भी होती है, ठीक है जी। और आगे चलें हम तो आगे आगे तो एक गाय ये भी होती है, ठीक है जी। और एक ये रही पूरे पार्क में सबसे बड़ी गाय जो है वो ये है जिसको अभी लोग मिला रहे थे, ठीक है भाई। माशाल्लाह फ्रेम में भी पूरा नहीं आ रहा है जानवर, इतना बड़ा जानवर। और एक गाय ये होती है, ठीक है जी। और एक गाय होती है ये वाली, ठीक है, सही है। चलो भाई पार्क की सारी गायें दिखा दी हमने आपको, ठीक है, और हम चलते हैं मैदान में, ठीक है, मैदान की सारी गायें दिखाते हैं। या पहले अब्दुलरहमान के पास चलते हैं, उसके पास उसकी गायें दिखाएंगे आपको, ठीक है। चलो अब्दुलरहमान की गायें के पास चलते हैं, उसकी गायें दिखाएंगे, ठीक है। ये रही अब्दुलरहमान की गायें, आ गई भाई की गायें, आ गई ये गायें अब्दुलरहमान भाई की है। कॉल करनी, चलो भाई ये वाली गायें भी आप लोगों को दिखाते हैं, ये वाली गायें को भी प्यार करी। आहा, इधर देखिए, ये रही, आहा, ये वाली काऊ भी आती होती है। वाह भाई, आज तो बहुत सारी काऊ देख ली ना आपने, कितनी सारी काऊ देख ली, अब्दुलरहमान की भी देख ली और उसकी भी देख ली, मुस्तफ़ा की भी देख ली, है ना भाई। आगे वाली काऊ भी आती होती है, वाह वाह, माशाल्लाह, वाह वाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह कैसे बोलते हैं, माशाल्लाह, माशाल्लाह बोलना। भाई अब्दुलरहमान की काऊ भी देख ली, ठीक है जी। और हम चलते हैं तैयबू की काऊ के पास, एक काऊ ये भी होती है माशाल्लाह, वाह वाह, इतनी प्यारी काऊ होती है तू, करना, आहा आहा, इतनी प्यारी काऊ होती है तो देख लो, इतनी प्यारी काऊ होती है, जल्दी से देख लो फिर चलेंगे। चलो भाई ये है बाबा जी की गायें, ठीक है जी। और दो काऊ यहाँ पे होती हैं, है ना भाई, दो काऊ यहाँ पे होती है ना, एक काऊ ये रही, एक काऊ ये रही, तो ये दोनों गायें भी बिकने की, और मैं आगे भी दिखाता हूँ वो भी बिकने की है। ये वाली काऊ भी होती है, खाना खाती है, सही है, ओके, ठीक है, आशीष सही है ना, देख ऐसा रहेगा तू बेफिक्र हो जा, मैंने अपने बच्चे की छुट्टी करा दी, ओके। ये देखो जरा घर चले आओ, अल्लाह को चाचा काऊ ले आते हैं, इतनी सारी काऊ है यहाँ पे तो, नाना की गाय आ गई, नाना की गाय आ गई, प्यार दर्दी होती है वो आपसे। चलो गाइस इस वीडियो के इतने रखते हैं, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आज 3 दिन बाद जो है वो हमारी बकरीद आ जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह, और 3 दिन बाकी हैं, और 3 दिन से पता नहीं कि हमारे गाय बकरे आएंगे या नहीं। तो पीछे मैंने अपने पैंट रखी हुई थी, अभी मैं 7 बजे आया था, तो ऐसे 7 बजे से तगड़ी वाली बारिश हो रही थी कि बस पूछो नहीं, तो मैंने कहा पैंट में उतार के, अभी मैंने शर्ट पहनी है, अभी टोपी वाली पहनी है, नमाज वमाज़ पढ़ के फारिग हुआ, देखो ये शलवार पहनी हुई हमने, ठीक है जी। तो मैंने कहा बस इस व्लॉग को एंड रखते हैं, आई होप आपको व्लॉग पसंद आएगा, व्लॉग पसंद है तो लाइक कर देना, एंड चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तो प्लीज़ यार आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है कि आप लोग दुआ करिए मेरे लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए, कि मेरे लिए ख़ासतौर पर कि मेरी गाय आ जाए, क्योंकि गाय आएगी तो मैं आपको व्लॉग बना के दिखाऊंगा, अगर गाय नहीं आ सकी तो मैं व्लॉग बना के नहीं दिखा सकता, फिर दूसरों की गायें देखने को मिलेंगी आप लोगों को मेरे व्लॉग में। तो दुआ करिए मेरे लिए कि मेरे बाबा के पास पैसे आ जाएँ, जिन लोगों को काम करके दे दिया उन्होंने वो लोग पैसे दे दें, ताकि मैं अपना कुर्बानी के जानवर गायें या बकरे जो भी हमारी किस्मत में दफ़ा नसीब में हैं गायें कुर्बान करना या बकरे कुर्बान करना, तो वो जल्दी से हम लेकर आ सकें, परचेज़ कर सकें, ठीक है जी। बस यार बहुत इस दफ़ा भी कोई चांस नहीं बन रहा है पैसों की, वैसे तो इस पैसे नहीं ला रहे, ठीक है जी। अब सोच रहा हूँ मैं कल जो है, कल आ जाएगा जुम्मा, या मखाज कल जुमरात आ जाएगा, उसके बाद जुम्मा, तो मैं सोच रहा हूँ कि ना
कल जमशोट का पूरा जितने भी गाय आई हैं जमशोट के पूरे इलाके को कवर करेंगे। उसके बाद हफ्ता आ जाएगा, फिर हफ्ते वाले दिन पीआईबी के लागों का इलाके वाले इलाके को कवर करेंगे कि पीआईबी की मैं आपको सारी गायें दिखा सकूं और जुम्मे को मैं आपको जमशोट की सारी गायें दिखा सकूं। दया मैं की गायों को भी कवर करेंगे, ठीक है जी। उनकी गायों को मैं ही खाना है और चारा वारा डाल रहा हूँ तीन चार दिन से, क्योंकि उनके पैर में लग चुकी है जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। अगर नहीं देखा तो मैं आपको तस्वीर यहाँ पर डाल दूंगा साइड में, पिक्चर में आप देख लेना, ठीक है जी। आज भी रात को जाना है 12 बजे, देखते हैं क्या होता है यार। थक गया यार, अपना जानवर आने में दूसरों के जानवर की खदमत करनी पड़ रही है यार, लेकिन मज़ा भी आ रहा है क्योंकि दया मैंने बोला था यार बहुत उससे कि आप आ जाना यार कि मेरे पैर में लगी हुई। मैंने कोई टेंशन नहीं है, मैं आ जाऊँगा, चारा वारा डाल दूँगा, टेंशन नहीं है, घुमा भी लेंगे। अगर घुमाने का मौका मिला तो आपको ब्लॉग में दिखा भी देंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।